नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल इंडियन टीवी न्यूज। आइए देखते हैं छोटे शहरों की बड़ी खबरें। डिंडोरी मध्य प्रदेश सहकारिता समिति की कर्मचारियों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने एक साथ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डिंडोरी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। समिति कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का निराकरण न होने पर आंदोलन ज्ञापन पत्र के माध्यम से महासंघ के द्वारा शासन को संस्था में पदस्थ कर्मचारियों की मांग के निराकरण हेतु लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है। सहायक प्रबंधक, लेखापाल, कैशियर, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, विक्रेता, चौकीदार मांग पूरी न होने पर समस्त कार्य बंद करके आंदोलन के लिए बाध्य हैं। हमारी लंबित जो मांगे हैं कर्मचारियों को, अन्य विभाग के कर्मचारियों की भांति वेतन मान फिक्स कर कर्मचारियों को वेतन देने के संबंध में, दूसरी हमारी मांग थी कि सहकारिता कर्मचारी आज विगत 25 से 30 वर्षों से संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, पंजीयक के द्वारा बाहर से भर्ती करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। हमारे कहना ये है कि पूर्व में जो आदेश जारी पंजीयक महोदय के द्वारा की गई थी कि 60% की भर्ती समिति कर्मचारियों से लेना है, 40% बाहर से लेना है, अभी उन्होंने पूर्व के आदेश को निरस्त कर डायरेक्ट भर्ती करने के निर्देश दे दिए थे, जिसके कारण हमारे महासंघ के द्वारा 17/8/22 को विंध्याचल भवन में जाकर पंजीयक महोदय के नाम धरना प्रदर्शन की गई थी, जिसमें प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा उन्हें आदेश जारी किए गए थे कि समिति के कर्मचारियों से ही 60% की भर्ती पूर्ण करने के पश्चात 40% बाहर से भर्ती की जाएंगी। अभी बाद में उन्हें 20/8 को उनके द्वारा जिला बैंक को फिर निर्देश कर दिया गया कि अभी उसमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए, जिसके कारण कर्मचारियों में आक्रोश है कि हमारी जो दो मुख्य मांग है, जब तक हमारे महासंघ के द्वारा। तो ये थी छोटे शहरों की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों को लगातार देखने के लिए आप बने रहिए इंडियन टीवी न्यूज के साथ। मिलते नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।